जैसे कि आपको पता है कि मैं एक सीएसई वीएलई हूँ और आप सबके लिए मैं छोटी छोटी वीडियोस लेकर के आता हूँ। तो आज हम बात करेंगे पीएमजी दिशा के लिए। तो पीएमजी दिशा में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जैसे ईमेल कैसे बच्चे का उसमें वेरीफाई करना है, बच्चे को एनरोल कैसे करना है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो ज़रूर देखें और उससे जो है आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। उसका लिंक जो है मैं अपने आई बटन में दे दूंगा। देखो आया नहीं, आ गया, आ गया ना, तो जरूर उसको जो है देखें। मगर आज हम एक और पीएमजी दिशा के टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक ये है कि जब बच्चे का एनरोलमेंट भी हो जाती है, बच्चे का पेपर भी हो जाता है और काफ़ी दिन के बाद बच्चे का सर्टिफिकेट भी आ जाता है, उसको कैसे डाउनलोड करना है और उसको वेरीफाई कैसे करना है, आज वो मैं बिल्कुल प्रॉपर एक ढंग से एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और कमेंट जरूर करना अगर आपको ये अच्छी लगे। तो उसका एक तरीका ये है, सबसे आसान तरीका, वीएलई जो है अपने डैशबोर्ड में जा करके जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको चेक करें। कैसे चेक करना है तो चलो अपने डेस्कटॉप पे। तो जैसे कि मैं अपने डैशबोर्ड में आ गया हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर जो है राइट साइड पे, सॉरी इधर लेफ्ट साइड पे जो है स्टूडेंट्स, एक कॉर्नर होता है स्टूडेंट, इस पे व्यू एलिजिबल स्टूडेंट्स, व्यू एलिजिबल स्टूडेंट्स इस पे क्लिक करना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं आपको इस लिस्ट में शो होते हैं। देखो यहाँ पर सारे एलिजिबल हैं। एलिजिबल मीन कि कुछ बच्चे जो हैं जिनका अभी टेस्ट पेंडिंग है, बाकी सब फॉर्मेलिटीज उसकी पूरी हो चुकी है। मीन उसका ईमेल भी वेरीफाई है, फिर उसका फॉर्म भी सबमिट है, फिर उसकी ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट है, सिर्फ उसका अब टेस्ट पेंडिंग है। जैसे ये देखो यहाँ पर एक कैंडिडेट है कोयना करके, उसका जो है टेस्ट नॉट कंप्लीटेड करके यहाँ पर आ रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जिनके जो है टेस्ट भी कंप्लीट हैं, अब उनका जो सर्टिफिकेट कैसे चेक करना है। जैसे मान लो कि मैं पूरी लिस्ट में नीचे आता हूँ, देखो बबलू शर्मा करके एक स्टूडेंट है, इसके राइट साइड पर लास्ट में एक जो है सर्टिफिकेट का एक लोगो बना हुआ है, ब्लू कलर का लोगो है। तो बाकियों का देखो वो लोगो जो है डिसेबल है, मीन उनका भी सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है। सर्टिफिकेट जनरेट आफ्टर 45 डेज, जो आपका जो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद 45 दिन के बाद जो है सर्टिफिकेट जनरेट होता है। वैसे तो जिस दिन टेस्ट होता है बच्चे का, सर्टिफिकेट तो उसी दिन जनरेट हो जाता है। वो टेस्ट जो है वो सॉरी वो जो सर्टिफिकेट है वो प्रोविजनल होता है। जो 20-25 दिन के बाद या 45 डेज के बाद जो सर्टिफिकेट आता है, वो एक जो सर्टिफिकेट परमानेंट और इशूड बाय द हायर अथॉरिटी जो है वो सर्टिफिकेट होता है। चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि उस ब्लू कलर का जो सर्टिफिकेट का लोगो बनाया गया है उस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने इस पर क्लिक किया है और ये जो है सर्टिफिकेट इसका ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये देखो इसमें लिखा है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, मीन इसके नीचे कौन सा कोर्स किया है, डिजिटल साक्षरता का अधिमूल्यन, मीन एप्रिसिएशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी का इसने कोर्स किया है। इसके साथ ही इसकी फोटो भी है जहाँ पर, और इसकी डिटेल भी है, और इसमें नीचे बताया गया हुआ कि इसने किस दिन जो है पंजीकरण मेन या रजिस्ट्रेशन कराई थी, इसमें पूरी डिटेल है। और नीचे ही आपको देखो नीचे बॉटम में जो है इसमें लिखा है सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड, उसमें जो है क्वेश्चन मार्क लगा है। अब ये वेरीफाइड कैसे होगा, ये सर्टिफिकेट जब तक वेरीफाइड नहीं होगा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको कैसे वेरीफाई करना है ये भी मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ, बड़ा आसान, वीएलई जो है इसको आराम से और आसानी से कर सकता है। तो इस पे जो है आपने सबसे पहले ये राइट साइड टॉप के ऊपर दो ऑप्शन है, एक प्रिंटिंग के लिए और एक जो है डाउनलोड के लिए। मैं इस पर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। मेरी तरफ से वीएलई से यही रिक्वेस्ट है कि वो ये सर्टिफिकेट जो है बिना वेरीफाई किए हुए बच्चे को ना दे। ये जो फाइल है पीडीएफ फाइल होती है, आपको जो है आपके सिस्टम पर या लैपटॉप पर जो है लेटेस्ट पीडीएफ जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। करने के बाद इसको जो है आपने डबल क्लिक करके खोल लेना है। जैसे मैं डबल क्लिक करके खोलता हूँ और देखो ये कुछ मतलब टाइम लेता है, कुछ टाइम लेता है। टाइम इसलिए लेता है कि वो जो है ऑटोमेटिक जो है सिग्नेचर को वेरीफाई करता है, वेरीफाई करता है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर लिख के आ गया ना, डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाय चेतन सिंह राठौर, जो इनकी एजेंसी है या इशूइंग अथॉरिटी है उसके जो है सिग्नेचर जो है वेरीफाई होकर के आ गए हैं। ग्रीन टिक लगा है इस पर, ग्रीन टिक लगा है इसमें। अब जो है आपने इसका प्रिंट आउट लेना है, बच्चे को ये सॉफ्ट कॉपी भी नहीं देनी है। जैसे आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर करते हो तो यहाँ पर जो है ये ग्रीन टिक व्हाट्सएप में नहीं शो करता,
और उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है। आपने क्या करना है, जब ये वेरीफाई हो जाए तो आपने इसका प्रिंट आउट लेकर के, आपकी मर्जी है इसको लेमिनेशन करो ना करो, मतलब हम तो यही कहेंगे कि इसका कलर प्रिंट आउट लें और इसको लेमिनेशन करके जो है बच्चे को जरूर दें। अब देखो ये वेरीफाई हो गया है, अगर ये वेरीफाई नहीं होता है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो एक छोटी सी विंडो खुलती है, इसकी सेटिंग जो होती है वो खुलती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर प्रॉपर्टीज, सिग्नेचर प्रॉपर्टीज, इस पर क्लिक करना है आपने। अब आपने जो है वैलिडेट सिग्नेचर, ये नीचे जो ऑप्शन है वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करता हूँ, ये सिग्नेचर ऑटोमेटिकली, आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन ये उस सिग्नेचर को जो है वेरीफाई करेगा और यहाँ पर जो है टिक लग जाएगा। देखो साइड पर ये टिक पहले भी लगा हुआ था, अगर ना हो तो ये उसको वेरीफाई करने का प्रोसेस है। उसके बाद इसको क्लोज करो और उसके बाद जो है आपके, आपका जो कलर प्रिंटर है उससे इसका जो प्रिंट आउट लेकर के लेमिनेशन करके बच्चे को जो है दे दिया जाए। ठीक है, ये थी आज की छोटी सी पीएमजी दिशा की एक वीडियो कि जो है उसका सर्टिफिकेट आपने वेरीफाई कैसे करना है। और मैं बता दूं कि इस वीडियो को जो है मैं फेसबुक में शेयर करता हूँ, ट्विटर में भी शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम में भी शेयर करता हूँ, यूट्यूब में तो जाती जाती है, और जहाँ पर मन करे वहाँ पर इसको देखें और पूरा देखें, स्किप नहीं करनी है। मेरे को इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें, टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, मैं इस वीडियो को जो है टेलीग्राम में भी शेयर करता हूँ। टेलीग्राम का जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस दे दूंगा, प्लीज़ ज़रूर उसको मैं जो है मुझे शेयर करें। ठीक है, ओके बाय।